हमारी सेकंड प्लेस पे पत्तड़ है, पत्तड़खल। तो घूमने से पहले हमने किया है ऑर्डर अपना लंच, तो लंच में है यहाँ पे इसको दही भाकरी बोलते हैं, खेसा और दही चटनी, और ये उसल बैंगन, और ये पालक है, सलाद के नाम पे पालक दिया है। बहुत सही है, टेस्ट है तो सही है। और मैंने यहाँ पे लिया है भेल, थोड़ा अलग टाइप का भेल है बट इट्स फाइन। यहाँ की सीटिंग भी थोड़ी अलग है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है बट खाना ऑथेंटिक है। भाकरी और दही तो बहुत सही है। तो आ गए हैं हम अंदर, दाखिल हो चुके हैं। 70 रुपीज़ ऑनलाइन टिकट था, और अगर उधर ही करना है तो हार्ड कैश। वी आर नॉट फॉरेनर, बिकॉज 600 रुपीज़ को फॉरेनर इट वॉज, तो 40 रुपये दे दिया हमने। लेट मी शो यू द व्यू। हस्तदत्तल के नाम का अर्थ है राज्याभिषेक का स्थान। इस जगह का उपयोग चालुक्य राजाओं द्वारा राज्याभिषेक समारोह के लिए किया जाता था। Let's start with गलगनाथ मंदिर एंड संगमेश्वर मंदिर। देखने में ही बहुत पीसफुल लग रहा है ये आंखों पर। दोस्तों, पत्तदक्कल की स्थापना 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के तहत की गई थी। दूर से तो बहुत सही लग रहा है, अभी अंदर जाके भी एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। तो यहाँ पे ऐसे बग्गी भी चलती है, इलेक्ट्रिक बग्गी, ये देख सकते हो आप, स्ट्रक्चर्स बहुत ही प्यारे प्यारे। ये है जम्बूलिंग मंदिर। तो इसके अंदर शिव जी का पिंड है, यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हो। जैसे कि अभी मैंने बोला था कि इनको हम थोड़ा अच्छे से क्लोजली एक्सप्लोर करेंगे, सो लेट्स गो टू चेक आउट द टेम्पल्स एंड द टोटल व्यू। पत्तदक्कल के इस कुल एरिया में टोटल 10 मंदिर है, और हम वन बाय वन सारे मंदिर को विजिट करेंगे। बहुत ही सुंदर है ये आर्किटेक्चर। अंदर नहीं जा रहे हम लोग, बाहर से ही देख रहे हैं, क्योंकि अंदर तो मूर्तियां है नहीं किसी भी मंदिर में, और जो है वो भी ऐसे तोड़ा गया है इसको। तो होल प्लेस हैज अ ऑरा, बहुत ही सही डिज़ाइन और सही ढंग से बनाया गया है। लेट्स चेक आउट फ्रॉम क्लोज, इवन मोर क्लोज। शिव मंदिर है, बहुत ही सुंदर व्यू है। इस तरफ है काशी विश्वेश्वर मंदिर। कुछ कुछ टेम्पल है जिनको अभी भी अच्छे से रखा है, बट बाकी सारे सारे जगह पे जो भी मॉन्यूमेंट्स है उनको तोड़ दिया गया है, आई डोंट नो व्हाई।
जो हमने विजिट किया ये था काशी विश्वेश्वर मंदिर। इस पूरे पत्तडक्कल के एरिया में सारे मंदिर ही मंदिर है, वन बाय वन हम सबको विजिट करेंगे। ये नंदी जी है। चलो अभी देखा जाए कि किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया है उस टाइम में। आर्किटेक्चर देखो बस बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली में। मार्वलस पीस लगता है। अंदर चलते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर के बाद लेट्स एक्सप्लोर द रेस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। आगे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इनको तोड़ के रखा है इन बिटवीन। चप्पल उतार के जाना पड़ेगा अंदर। इस तरफ से भी ये नंदी जी थे यहाँ पे, इनको खंडित कर दिया गया है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है अंदर से। शिवजी के पिंड है, सारे शिवजी के ही मंदिर है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय। तो अब हम लोगों ने सामने वाले मंदिर संगमेश्वर मंदिर को विजिट किया, अब इस वाले मंदिर को विजिट करने चलते हैं। अब यहाँ पे किसी भी मंदिर में पूजा नहीं की जाती है, बस ये स्ट्रक्चर्ड जैसे के वैसे है, क्योंकि अब इनमें इनके अंदर की मूर्तियाँ भंग हो चुकी है तो इनकी पूजा नहीं कर सकते। बट मैं वो इमेजिन करती हूँ जब ये पूरी तरह से सही होता होगा तो ये किस तरह से सुंदर दिखता होगा, जब यहाँ पे सारे दिए जलते होंगे। अभी भी यहाँ पे बहुत सुंदर लगता है, जबकि अब स्ट्रक्चर ही बचे हुए हैं। बट फिर भी अगर आँख लगा के आँख बंद करके आप यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाओ तो यहाँ पर अलग ही एनर्जी महसूस होती है। मुझे पीपल का बहुत बड़ा पेड़ दिखा है, ऑब्वियसली बहुत पुराना होगा, दिखाती हूँ बहुत बड़ा है। इसकी जड़ इतनी बड़ी है, बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना हो सकता है ये। और इसके एकदम सामने बहुत ही बड़ा नंदी है। सुंदर, ये इसको भी खंडित किया गया है। तो अभी इस तरफ है वीरूपाक्ष मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर, यहाँ क्या बहुत ही फेमस मंदिर है। तो इस तरफ चलते हैं। तो
Look at the sculptures. They're precision. मतलब उस टाइम में भी लोगों के पास ये स्किल थे. इट्स लाइक अमेजिंग. पूरे टेंपल एकदम पत्थर में बनाया गया, इसलिए बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे. दो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है. ये एक ही ऐसा मंदिर है यहाँ पे जहाँ पे अभी भी पूजा चल रही है प्रॉपर तरीके से. तो दिखाती हूँ आपको. ये नंदी फिर से बनाया गया है लगता है. ಇಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ವಿಷ್ಣು ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಇದೆ. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಂಗೀತಗಾರ ಸಂಗೀತ ನೋಡಿಸ್ರೆ, ಸಂಗೀತ ಬಂದ ತಾಳಕ್ಕೆ ನಂದಿ ಕೂಡ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿ. ಶೂರ್ಪಣಖಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ರಾಮ, ಸೀತಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತೆನ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಬಾಧ್ಯ. ರಾಮಾಯಣ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದುವರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇವರು ಸಮುದ್ರ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಜಿಗಿತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಶೋಕವನದ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಔರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಹೋ ಚುಕೆ. ಯ ದೋ ಹಿ ಮಂದಿರ ಯಹಾ ಪೇ ಜೋ ದರ್ಶನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯಹಾ ಪೇ ಪೂಜಾ ವಗೇರೆ ಹೋತಿ ಹೈ. ಬಾಕಿ ಸಾರೇ ತೊ ಖಂಡಿತ ಹೈ. ಬಹುತ್ ಹೀ ಸುಂದರ ಲಗಾ ಇಸ್ ಮಂದಿರ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಜಾಕೆ. आरतियाँ होती है यहाँ पे, पुजारी है, और बहुत ही सुंदर वाइब्रेशंस है इस जगह के. ये पूरा एरिया कवर है शिव जी के मंदिर से ही, और जिसमें से ये दो मंदिर थे जो एक्टिवेट है अभी भी. इनके अंदर की मूर्तियाँ खंडित नहीं है और प्रॉपरली पूजा होती है यहाँ पे. चलो, अब पूरा क्षेत्र के दर्शन हो गए हैं हमारे. अब निकलते हैं. जिन्होंने भी इन मंदिरों को बनाया होगा उनको हमारा शत शत प्रणाम. बहुत ही सुंदर है. आज भी ये मंदिर वैसे ही है जैसे तब बने थे, बस इनको छेड़ा गया है इसलिए ये टूटे हुए हैं. बट जो कहानियाँ इन मंदिरों पे लिखी गई, रामायण महाभारत की कहानी, और जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, वाकई बहुत खूबसूरत है. चलते हैं. और एक पतली मलाई वाला ही बनाना. हाँ, और इतना घूमने के बाद अब नारियल पानी पीने का समय आ गया है. यहाँ पे धूप बहुत है, बट अंदर मंदिर में जाके बहुत ही सही लगता है. इसी के साथ डे वन हमारा खत्म होता है बादामी में. कल हम एक्सप्लोर करेंगे बादामी फोर्ट, जो यहाँ का बहुत फेमस है. उसके बाजू में ही लक्की हिल म्यूजियम भी है और एक फॉल्स भी है. सब नियर बाय है, तो कल हम मॉर्निंग में वो एक्सप्लोर करेंगे. बट हाउ अबाउट टुडेज डे? इट वॉज रियली गुड. बहुत हेक्टिक नहीं था. हाँ, खत्म हो गया. हाँ, 4:30 बजे तक तो हमारा खत्म हो गया. इट वॉज गुड. वो ऑटो से हमें फायदा हुआ. मॉर्निंग 9 to evening 4, दोनों भी प्लेसेस कवर, ओवरऑल कवर हुए, वो भी बहुत अच्छे से. तो इट वॉज गुड. तो आज का ब्लॉग खत्म करते हैं यहीं पे. कल फिर से मिलते हैं. बाय बाय.